भारतीय रेलवे की ओर से नागपुर रेलवे स्टेशन में रेलवे में यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए यूवी मशीन लगाई गई है। यह मशीन ट्रेवलिंग बैग को सैनिटाइज और रैपिंग करने वाली है। कोरोना की वजह से यह सुविधा मध्य रेलवे की तरफ से उपलब्ध कराई गई है। देश में लॉकडाउन लागू होने पर भारतीय रेल ने अपने नियमित टाइम टेबल गाड़ियों का चलाना 12 अगस्त तक बंद कर दिया था, लेकिन अब अटकलें हैं कि इन ट्रेनों को अब 30 सितंबर तक बंद कर दिया गया है। लेकिन रेलवे ने अब इसको लेकर सफाई दी है। 200 ट्रेनें अभी फिलहाल चालू है। इसके लिए नागपुर रेलवे स्टेशन पर यूवी मशीन उपलब्ध कराई गई है। यह मशीन नागपुर से रेल द्वारा आने और जाने वाले यात्रियों के ट्रेवलिंग बैग सैनिटाइज और रैपिंग किया करती है। भारतीय रेलवे में यह दूसरी मशीन है जिसे नागपुर में लगाया गया है। ये इंडियन रेलवेज में सेकेंड मशीन है जो नागपुर स्टेशन पर लगी है। ये यूवी मशीन है, यूवी सैनिटाइजेशन मशीन, और यहाँ पे एक बैग रैपिंग मशीन भी है। जो भी यात्री इसका लाभ ले सकते हैं, बहुत ही सस्ते दर में है, अपना बैग लाके लेके आ सकते हैं और यहाँ पे यूवी मशीन में उसको फिर रख दिया जाता है तो वो सैनिटाइज कर देता है। और उसके अलावा ये ऑप्शन भी है कि आप अपना बैग को रैप भी कर सकते हैं। ये जो सुविधा है, ये यहाँ से जो लोग यात्रा कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं, और जो लोग यहाँ उतर गए हैं उतरने के बाद भी वो अपना सैनिटाइजेशन कर सकते हैं बैग का। शुरू करके अभी 2-3 दिन हुआ है। जो पहले दिन की जो पहली गाड़ी है उसमें लगभग 80 लोगों ने इसका यूज़ किया और काफ़ी लोग इसका यूज़ कर रहे हैं और बहुत ही बेनिफिट है इसका। तो हम यही यात्रियों से निवेदन करेंगे कि ये सुविधा उपलब्ध है, जिसको भी चाहिए वो उसका उपयोग कर सकता है। भारतीय रेलवे द्वारा इस मशीन में बैग को सैनिटाइजर कराने के लिए 10 रुपये दिए जाते हैं, तो वहीं 50 रुपये में बैग को रैपिंग भी किया जाता है। यात्री को इस यूवी मशीन का लाभ लेने की अपील रेलवे द्वारा की गई है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ स्वप्निल बुंदाड़े की रिपोर्ट।